नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस टेक्निकल दुनिया चैनल पर टेक्निकल से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है इस चैनल पर अपलोड की जाती है, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंचे। चलिए आज हम बात करेंगे और जिस तरीके से आप जो है ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म हमारा देश बनता जा रहा है और हर जगह डिजिटाइजेशन हो रहा है और लोग डिजिटल इंडिया का सहारा ले रहे हैं, डिजिटल पेमेंट का सहारा ले रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे दुकान और मॉल्स हो गए हैं जिसमें कि आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट जो पेमेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं जो कंपनी के ऑनर होते हैं उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर कोई पर्टिकुलर जो कंपनी होती है रजिस्टर्ड उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं टेक्निक और जो कंपनी इस्तेमाल करती है जिसके माध्यम से सीधा जो है ई कॉमर्स स्टोर पर आप जो पैसा डालते हैं वो पैसा उनके अकाउंट में सीधा पहुंच जाता है और वो जो पेमेंट पहुंचता है सीधे उनके अकाउंट में वो होता है पेमेंट गेटवे के माध्यम से। आपने सुना होगा कि पेमेंट गेटवे जो होता है वो जो होता है स्टोर पे या फिर कोई मॉल हो गया, कोई दुकान हो गया, जिसके माध्यम से हम जो है अपने जो कार्ड्स हैं, लाइक आप डेबिट कार्ड की बात करें, चाहे क्रेडिट कार्ड की बात करें या फिर अलग अलग जो कार्ड्स हैं उसके इस्तेमाल से हम उन लोग जो है उस स्टोर में पैसा पेमेंट कर देते हैं और वो जो पैसा होता है सीधे जो ऑनर होते हैं उनके या फिर जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है उनके सीधे अकाउंट में पहुंच जाता है। अब बात करते हैं कि पेमेंट गेटवे का क्या क्या मेथड होता है और पेमेंट गेटवे कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पेमेंट गेटवे जो होता है बेसिकली क्या होता है कि अपने कार्ड या फिर अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट करते हैं किसी स्टोर या किसी सामान खरीदते समय तो वो पैसा सीधे आपके कंपनी जो कंपनी होती है उसमें चला जाता है या फिर ऑनर के अकाउंट में चला जाता है। जो पेमेंट गेटवे का मेथड है वो 5 तरीके का होता है, मतलब आप जो पेमेंट गेटवे है उसको आप 5 तरीके से कर सकते हैं। पहला जो है वो है पेटीएम, पेटीएम पेमेंट गेटवे है, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। दूसरी चीज है सीसी एवेन्यू है, ठीक है, सीसी एवेन्यू दूसरी चीज है। तीसरी चीज है पे यू मनी के माध्यम से भी जो है हम पैसा जो गेटवे है उसके माध्यम से लेता है। और चौथी चीज है इंस्टामोजो के माध्यम से भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है जो कि कंपनियां यूज करती हैं और खास करके गेटवेज में इसका यूज किया जाता है। और आप सुनते होंगे पेपल सुनते होंगे, तो पेपल के माध्यम से भी जो कंपनियां गेटवेज जो है उसके माध्यम से भी पैसा लेता है। तो इस पांचों के बारे में, जैसे कि गेटवेज जो भी गेटवेज 5 प्रकार के हैं उसके बारे में बारी बारी से बताऊंगा कि एक्चुअली उसका काम क्या होता है और किस तरीके से वो परफॉर्म करता है। तो मैं आइए दिखाता हूं कि किस तरीके। चलिए, मैंने जैसा कि बताया कि पेमेंट जो गेटवे है वो एक सर्विस है जिसके जरिए ई कॉमर्स जो बिजनेस है उसमें ग्राहक जो होता है ऑनलाइन स्टोर से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जो पैसा है वो भुगतान कर सकते हैं, जो कि ग्राहक द्वारा ऑनलाइन जो पैसा भेजा जाता है वो सीधे स्टोर के मालिक के बैंक खाते में पहुँच जाता है। तो ये मैंने बताया कि 5 प्रकार का होता है, तो हम एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो सीसी एवेन्यू है। सीसी एवेन्यू 2001 में लॉन्च हुआ था और अभी अब भारत का सबसे पुराना और बेहतरीन पेमेंट गेटवे बन चुका है। सीसी हर तरह के बैंकों को पैसा भेज सकता है और ले सकता है वो अभी बिना किसी परेशानी के। आप जानते हैं कि स्नैपडील जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके बारे में आप जानते होंगे वो ट्रांजैक्शन के लिए सीसी एवेन्यू का इस्तेमाल करता है। इसकी विशेषता की अगर बात करें तो इसका जो विशेषता है वो 200 से अधिक बैंकों के साथ ये पेमेंट लेन देन कर सकता है, हर तरह की करेंसी के साथ पेमेंट कर सकता है, मतलब कि हर प्रकार के जो करेंसीज, लाइक आप डॉलर की बात करें या फिर यूरो की बात करें या फिर रुपीज की बात करें तो ये हर तरह की करेंसीज को क्या करता है कि ले सकता है। इसका जो कस्टमर सपोर्ट है बहुत बढ़िया है, आपको ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट आपको जो भी कस्टमर फैसिलिटीज़ होती है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। हर तरह की मोबाइल पेमेंट लेता है और भेजता है, मोबाइल के माध्यम से जो भी पेमेंट्स आप करते हैं या फिर लेना चाहते हैं तो हर प्रकार के इस चीज़ों को करने में वो सक्षम हो पाता है। तो ये है आपका सीसी एवेन्यू का विशेषता और सीसी एवेन्यू एक्चुअली किस तरीके से काम करता है। दूसरा है पेपल। आज के टाइम में पेपल एक बहुत बढ़िया कंपनी है जिसके पास लगभग 200 मिलियन से अधिक कस्टमर हैं, मतलब 200 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको पता चल रहा होगा कि पेपल कितनी मशहूर है क्योंकि इतने लोग जो हैं इस्तेमाल करते हैं। पेपल पेमेंट गेटवे सर्विस से हम आसानी से पेमेंट भेज सकते हैं और ले सकते हैं और यह पूरी दुनिया में उपयोग होने वाली कंपनी है। ये भी जैसे फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो ये भी जो होती है बार इस्तेमाल होती है। पेपल में अभी तक 4 बिलियन से ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, समझ सकते हैं आप कितना बड़ी कंपनी
कंपनी है ये, और 173 मिलियन कस्टमर इसके हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें भी जो कस्टमर सपोर्ट है बहुत बढ़िया है। फास्ट लॉगिन होता क्या है कि बहुत सारे वेबसाइट बहुत धीरे लॉगिन होते हैं, लेकिन इसमें लॉगिन जो है बहुत फास्ट होता है, और ये जो है बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ इसकी डीलिंग है। तीसरा जो है वो इंस्टा मोजो पेमेंट्स गेटवे है। इंस्टा पेमेंट गेटवे भी एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है जो कि ऑनलाइन पैसा भेजने और लेने के लिए मदद करता है, लेन देन के लिए मदद करता है। इंस्टा मोजो की सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रांजेक्शन फी बिल्कुल जीरो है, मतलब इसमें जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका कोई भी फीस जो है वो डिडक्ट नहीं होता है। इससे आप आसानी से पैसा भेज सकते हैं और ले सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। इंस्टा मोजो भारत की कंपनी है और अभी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को भी सपोर्ट नहीं करती है। ये जो है इंस्टा मोजो जो है वो इंडियन कंपनी है, लेकिन अभी जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और जैसे फॉरेन के अगर लोग उसको परचेज करना चाहें तो ये सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, चौथी चीज़ है पेटीएम पेमेंट गेटवे है। आज के ज़माने में पेटीएम पेमेंट गेटवे हर रोज़ इस्तेमाल होने वाली कंपनी बन चुकी है और इस कंपनी पर यूजर का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। पेटीएम पेमेंट गेटवे से आप अधिक मात्रा में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और पेमेंट भेज सकते हैं और ले सकते हैं। जैसे ही पेटीएम पेमेंट गेटवे लॉन्च हुआ उसी दिन एक दिन में पेटीएम पेमेंट गेटवे के लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर बन गए थे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज वह कितना मशहूर भारत की पेमेंट गेटवे हो गई है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें भी बहुत बढ़िया कस्टमर जो सर्विसेज है वो मिलता है और ये चीज़ें जो है मोबाइल में सपोर्ट करता है। और इसका जो 99% मतलब 100% नहीं कह सकते लेकिन 99% जो है इसका सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो जाता है, और कभी कभी फंस जाता है ड्यू टू सम प्रॉब्लम, कुछ नेटवर्क टेक्निकल इशूज आ जाते हैं जिसके चलते ऐसे प्रॉब्लम आ जाते होंगे। ठीक है, बात करें पांचवी की तो पांचवी है PayU Money। PayU Money भी एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है जो कि ऑनलाइन पैसा भेजने के लिए लेने देने की मदद करती है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि GoIBO, BookMyShow, Snapdeal, TravelYaari वगैरह वगैरह PayU Money का इस्तेमाल करती हैं और ये कंपनी काफ़ी सिक्योर है। ठीक है, इसकी अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो इसमें भी फास्ट लॉगिन है और 100% जो सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन होता है वो 100% है और 5 लाख से अधिक बिजनेस सपोर्ट्स हैं इसके जो हैं 5 लाख से बिजनेस ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं जो कि पेमेंट गेटवे है और ये पांच थी, और पांच के बारे में कौन से इस्तेमाल किया जाता है और कहां कहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में ये जानकारी थी। तो देखा आपने कि जिस तरीके से ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग पैसा पे करते हैं और उसी से उनके कंपनी में या फिर ऑनर के अकाउंट में पैसा चला जाता है, जो कि 5 तरीके का होता है, और पांचवें तरीके के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से काम करता है, इसकी क्या वैलिडिटी होती है और इसका जो लिमिटेशंस होता है वो क्या होता है। बाकी इसी प्रकार की और भी तमाम जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। बाकी अगर कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।